पत्थरी नेपाल का ये आकृतियाँ सारी 250 साल पुरानी है, 250 से 300 साल वहीं के राजा ने बनवाया था। और ये छत्र है 1.25 लाख रुद्राक्ष के मनकोटा त्रिशूल है। यहाँ पे डेली रात को 2 बजे उल्लू बैठते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, मिल गए हरिद्वार में। चुक्का में यहाँ पे दूध दिया जाता है, बड़ा सुंदर तरीके से दिया जाता है, बहुत अच्छा। देखिए सब कोई दूध का आनंद लेते हुए। हरिद्वार में बहुत रंग का खाना मिलता है, बहुत अच्छा। क्या ले रही हो, रिक्शा दोनों? ये क्या है, खींच कोई ये वाली टूटी है, दूसरा पर लकड़ी का सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ये दोनों लेनी थी भाई, कितनी पड़ेगी? बाजार में शिव जी का इतना बड़ा मूर्ति, बहुत ही अच्छा, पूरा भक्तिमय माहौल। हरिद्वार बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही मनमोहक। वो लोग लगता उधर ही रुक गई है, कुछ खरीदने के लिए रुक गई फिर से। जितना आगे कदम बढ़ाते नहीं है कि उससे ज्यादा कदम पीछे करना होता है मुझे। वो हम लोग यहीं पर खाए थे, मथुरा वालों की प्राचीन दुकान, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी था और मिठाई का नाम मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। थक गई क्या? बहुत ज्यादा। चलो हो गया, हम लोग हर की पौड़ी ही जा रहे हैं। माला खरीद रहे थे तो ये भाई हम लोग को बोले कि आप लोग बद्रीनाथ से आए हैं तो चलिए पशुपतिनाथ का दर्शन कराते हैं। हरिद्वार में भी पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। चलिए भाई आप आगे आइए, तब हम लोग को दर्शन कराइए। हम लोग का किस्मत था जो हम लोग इतना सुंदर जगह पर आए। हाथी भी है, इतना सुंदर। शिवलिंग है, शिवलिंग पे त्रिमुंड है ना, मेरे सामने बना है। मतलब हम खुद घर से भाग के आए थे सारे देखने के लिए। अच्छा। ये मेरे 2002 में बना था। ये आपका घर है? नहीं, नीचे की साइड सामने घर है हमारा। रात के लोग इतने आते हैं ना, मतलब ढूंढते हुए आते हैं कि पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहाँ है। ना सुंदर मंदिर देखिए, कहाँ पे हम लोग किस्मत से आ गए यहाँ पे। बोलो साम हर हर महादेव। हम लोग भी बैद्यनाथ धाम के हैं, बैद्यनाथ धाम देवघर से आए हैं हम लोग। जय गंगा जमुना। मूर्ति है ये एक ही पत्थर से बनी हुई है। अच्छा। नहीं कि आपको दो तीन पत्थर काट के, एक ही पत्थर से, एक ही पत्थर में कटिंग काट के नंदी जी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई। बाप रे, तो कम से कम मिल गए नंदी जी हम लोग को। इनके कान में कैसे जाके बोले भाई? आप इधर से आइएगा, इधर से। ओके। मेन मंदिर। अच्छा, पशुपतिनाथ। ये जो पत्थर है ना पशुपतिनाथ जी का, ये पत्थर भी नेपाल से आया हुआ है। वही हाँ, ये पत्थर भी नेपाल का है। पत्थर भी नेपाल का है। ये आकृतियाँ सारी 250 साल पुरानी है, 250 से 300 साल वहीं के राजा ने बनवाया था। और ये छत्र है 1.25 लाख रुद्राक्ष के मनकों का। अच्छा, ये छत्र जो है छत्र। अच्छा, वाव कितना सुंदर चीज है ये।
ये जो देख रहे हैं ये 76 रुद्राक्ष का है। ये पीछे का गेट है, आगे का गेट उधर से है। दूसरा त्रिशूल है। यहाँ पे डेली रात को 2 बजे उल्लू बैठता है। मैं मतलब 1998 से देख रहा हूँ, मैं उल्लू डेली 2 बजे बैठी है यहाँ पे। मंदिर की चोटी आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कह लो, बरसात हो कुछ हो, आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूँ ये जो पुण्य है ना, सेम पुण्य मिलेगा नेपाल और यहाँ का। अच्छा, मूर्ति है वहाँ की और यहाँ की सेम है। अच्छा अच्छा, आप चाहे चेक करना यूट्यूब वगैरह पे, सेम मूर्ति है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दर्शन कराया। ठीक है, मेरे चैनल का नाम देवगरियन फैमिली है, प्लीज देखना यूट्यूब में। ओके, हरिद्वार के बाजार में हमको मिल गए हमारे सब्सक्राइबर हैं, मिल गए हरिद्वार में। चलिए बहुत अच्छा, मेरे चैनल को हाय बोलिए, बोलिए आपका चैनल को और सब्सक्राइब करें। अरे कितना अच्छा लगे, चलिए बाय बाय बोल दीजिए चैनल, ऐसे बोलते मेरे चैनल में बाय बाय, कैसे बोलते बाबा। हम पहुंच गए जसीडी, ब्लॉग तो हम वहीं लास्ट कर दिए क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो गया है और ग्रुप में सबका बहुत तबीयत ख़राब हो गया है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, वहीं यात्रा ही लास्ट दिखाएंगे आपको। हरिद्वार आते ही मेरा बहुत फीवर आ गया, सब लोग देखिए, सब लोग पहुँच गए हैं, इसका भी तबीयत ख़राब हो गया, इसका भी तबीयत ख़राब हो गया, सब आया है लेने के लिए हम लोग को। हाय करो, हेलो हेलो। और अभी पहुंच गए हैं घर, नहा धो के हम लोग हो गए रेडी, ससुराल से खाना भी आ गया था बना बनाया, बहुत दिन का बाहर खा खा के एकदम पक गए। अभी आया है दाल चावल चोखा पोस्ता दाना का चटनी भुजिया, खा के बहुत मज़ा आने वाला है। रात का बज गया है 12:15, तो बस खा के सोते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।